की ड्रेस है। दर्शकों, अभी यहाँ गुजर महोत्सव में कुछ लोग जो आए हुए हैं वो गुजरी परिधान और मुंडसा जो राजस्थानी साफा है उसमें है, और इनसे जानते हैं भी क्या गुजर महोत्सव में इन लोगों ने देखा है। जी, नाम आपका? विपिन चौधरी, एडवोकेट। कहाँ से आए चौधरी? मैं सहारनपुर से। सहारनपुर से जी। पहली बार आए या पिछले महोत्सव? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ अब की बार। कैसा अभी इस महोत्सव में आपने घूम के किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको नई लगी यहाँ? जैसा कि मैं पहली बार आया हूँ गुजर महोत्सव में, मुझे बहुत ही कुछ अपने समाज के संस्कृति के बारे में जानने को मिला है। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति है कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैंने यहाँ पे देखा है कि हमारे समाज में किस तरह का हमारे समाज की संस्कृति है और किस तरह का पहनावा है, किस तरह की वेशभूषा है और किस तरह की बोलचाल है। क्या नाम है आपका? संतोष विधोड़ी। संतोष विधोड़ी, कहाँ से आई हैं आप? तुगलकाबाद गांव से। तुगलकाबाद दिल्ली में ही है? ओके। आप हाउसवाइफ है या जॉब करती है? नहीं, हाउसवाइफ। तो आप पहली बार आई है यहाँ या पहले भी? टाइम आई हूँ। सेकंड टाइम? हाँ जी। तो पिछले महोत्सव में और इस महोत्सव में आपको क्या बदलाव लग रहा है, क्या कुछ चेंजेस? अब की बार ज्यादा लोग आए हैं, पिछली बार कम थे, पर अब की बार और भी सारे बहन भाई सारे इकट्ठे हुए हैं तो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या क्या चीजें आपको गुजर संस्कृति से देखने के लिए मिली? जो हमारे गुजर समाज में जो चीजें हैं, जैसे हमारी संस्कृति है, खान पान है, पहनावा है, सारी चीजें हमें देखने को मिली। हम खुद भी वही चीज पहनकर आए हैं। ये ड्रेस आज पहली बार पहनी है या पहनती है अक्सर? नहीं, ये मेरी सास की है। सास? तो हाँ जी, मेरी सास की है, उनकी शादी की है तो वही मैंने वेयर किया है। अरे बहुत शानदार, ये तो आपने बड़ा, ये जो आपने क्या इनको क्या बोलते हैं, मोहर? मोहर, हाँ। लक्ष्मी माला, कंठा, हसली, सारी चीजें। तो अभी सास की पहनेंगे या अपने लिए सिलवाएंगे? तो अभी अपने लिए बनवाओगे ना? नहीं, सास की पहनी है। पहनोगी? धरोहर है, मेरे दादाजी की है। नहीं, ये तो एक ही हो गई, और इसके अलावा भी तो भी जब इस तरीके का अभी और है, दो और ड्रेसेस है सास के पास में, वो भी मैं ही ले लूंगी। ये बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जी। नाम आपका? हर्षित प्रधान। हर्षित प्रधान जी, कहाँ के हैं प्रधान जी? रूबड़ी गुजर गांव, रूबड़ी गुजर सहारनपुर। रूबड़ी गुजर सहारनपुर जी जी। तहसील कौन सी है आपकी? तहसील सहारनपुर ही है। सहारनपुर है जी जी। तो आप पहले आए हैं या अभी पहली बार? पहली बार आए हैं, पिछली बार नहीं आ पाए थे। तो क्या गुजर महोत्सव में किस तरीके का आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, सुबह 11 बजे से हम लोग आए हुए हैं पूरी टीम के साथ सहारनपुर से, और वास्तव में एक शानदार प्रदर्शन, और जो अपने गुजर समाज है उसकी प्राचीन जो इतिहास है, खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है उनको जागरूक करने के लिए हर वर्ष की बात इस वर्ष भी करा गया है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के गुजर समाज का जो रहन सहन है, खान पान है, हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी जो वेशभूषाएँ हैं, और इस कार्यक्रम में 5 मंच बनाए गए हैं, अलग अलग मंच बनाए गए हैं। इसमें युवाओं की बॉडी बिल्डिंग की रैप वॉक भी है, एक काव्य पाठ भी है कविताओं के माध्यम से भी, और रागनी का भी एक शो अलग से चला जा रहा है। तो बहुत शानदार भव्य कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का मैसेज देश भर में जा रहा है। चलिए, बहुत शानदार जी। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान? राजस्थान कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जिला, जिला टोंक। जिला टोंक? टोंक। सचिन पायलट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? क्या नाम है आपका? महेश गुजर। महेश गुजर, तो आप पहली बार आए हैं? मैं दूसरी बार आया हूँ, मैं एज ए आर्टिस्ट हूँ, ड्राइंग पेंटिंग के लिए एग्जीबिशन के लिए मैं क्या आप किस उसमें आर्टिस्ट हैं? चित्रकार। चित्रकार? चित्रकार है, ओके। हमारी एग्जीबिशन लगी हुई है यहाँ पर, जिसमें लगभग 15 कलाकार हैं, जो सभी जम्मू कश्मीर से, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से। तो उन्होंने फाइन आर्ट का जो कोर्स किया है, तो उन्होंने कैनवास पर अपने पेंटिंग। किस तरीके की पेंटिंग आप करते हैं? कलर पेंटिंग या क्या है? इसमें कैनवास पेंटिंग है, इसमें एक्रेलिक रंग है, वाटर कलर है, ऑयल पेंटिंग है, उसमें विभिन्न तरह की जो कल्चर है, समस्याएं उनको लेकर हम वर्क करते हैं। बहुत शानदार। आप भी साथ में हैं जी? धन्नालाल गुजर शास्त्री। धन्नालाल गुजर शास्त्री जी। तो आप भी पेंटर ही हैं जी? तो आपकी भी पेंटिंग ठीक चल रही है जी। और यहाँ मौसम में मन लग रहा है सही? मन तो लगना ही है, कला संस्कृति अपने भाई मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लगेगा। जी, नाम आपका? हरिओम, चेयरमैन गुठावली पथिक परिवार से। विजय सिंह पथिक के परिवार से हैं आप? जी जी। तो आप पहली बार आ रहे हैं? मैं पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया हूँ, और यहाँ के बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ हमारी संस्कृति और हमारे बुजुर्गों की, हमारे महापुरुषों की जो धरोहर थी, जिस वजह से हम दुनिया में पहचाने जाते थे, उनके बारे में यहाँ दिखाया जाता है। हमारे पहराना हो, बोलचाल हो, हमारा कृत्य हो, या जो भी हमारी वो थी धरोहर,
उनका दर्शाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार लगता है। चलिए ठीक है, ओके। दर्शकों, गुजर महोत्सव में यहाँ कुछ महिलाएं ये डांस कर रही हैं, ये अपने आप में एक अलग नृत्य है। मैं कहूँगा कि सिखाएं एक बार, ये गुजर संस्कृति से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और बड़ा शानदार इनका। दिखाइए, इधर भी महिलाएं डांस कर रही हैं यहाँ, और ये बड़ा ही शानदार यूनिक इनकी ड्रेस है। क्या नाम है आपका? सरस्वती लोहिया, घिटोरनी गांव से। घिटोरनी गांव से हैं आप जी। तो आपकी तो ड्रेस बड़ी यूनिक लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरों में घाघरा कमीज होना, सूट सलवार होना, अपने ये लुक भी सभी मिक्स किया हमने ताकि सभी नजर आए यहाँ पर। आपके साथ है? जी, मेरे साथ है गीता गुजर बहन है और सारी अम्मी बहनें मिलकर के। ये राखी है। राम राम जी। राम राम जी, क्या नाम है आपका? राखी खटाना। राखी खटाना, कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम छतरपुर रहते हैं, वैसे तो रिठौज के हैं, हरियाणा के। हाँ जी, छतरपुर में जी रहते। छतरपुर में तो पहली बार आना हुआ है आपका? हाँ, इस बार पहली बार आना हुआ है हमारा, पिछले बार नहीं आ पाए थे। इस बार कैसा गुजर मौसम में आके आप महसूस? बहुत अच्छा रहा, अपना कल्चर देखे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे थ्रू और लोग भी जानेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो अच्छा लग रहा है। तो क्या क्या चीजें आपने यहाँ यूनिक देखी? जैसे हमारा ये ओढ़नी जो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं, हमारा जो पहनावा है सबसे प्लस सबसे बड़ी चीज तो यही है। बाकी तो यही है कि अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और घूम रहे हैं। सभी बहनों के चेहरे पे क्या खुशी है आपको देख रहे होंगे। हम पिछले साल भी थे, महाराष्ट्र तक हमने प्रचार किया था, इस बार बिना प्रचार के सब लोग हैं। आपकी तो बोली कुछ महाराष्ट्र जैसी लग रही है, उन लोगों के साथ रह रह करके। एक छत के नीचे सारी गुजरी बिरादरी, जब वो बाहर विदेशों में रह रही है, देश में रह रही, सब एक एक गीता बहन। जय गुजर समाज। देखिए, ये जो हमारा गुजर महोत्सव तो है, मगर हम लोगों की यूनिटी और एकता देखिए। ये हमारी जाटनी बहन है, अब पिछले साल भी आई थी, अब भी आई है, और बोल रही है कि जो भी तुम्हारा कोई प्रोग्राम है मुझे बुलाना, भूलना मत। जाट और गुजर कोई अलग अलग थोड़ी ना होते। क्या? मैं तो खुद ये बोल रही हूँ। फिर भी एक होता है ना कि ग्रुप चल रहा है। हाँ। नहीं, ये अकेली चली, क्योंकि गुजर और जाट विद्यार्थी जितने भी सर्व समाज है अपनी बहन बेटों की इज्जत करना जानते हैं। हर समाज में कोई ना कोई हल्का एक दो लोग ऐसे होते हैं जो चीजें खराब कर देते हैं, मगर आज सब सही है। क्या नाम है आपका? जी अर्चना, अर्चना डागर। अर्चना डागर, कहाँ के रहने वाली है? मैदानगढ़ी की। अच्छा, आपका मायका कहाँ है? मायका जी, मैं यूपी से हूँ, पर हूँ जाट, बुलंदशहर से। बुलंदशहर में कहाँ? नांगल। नांगल, 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 नांगल गांव है आपका? गांव है। कौन से रोड पर है गांव? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है उसका, बस मुझे इतना। अच्छा, इतना ही पता है आपको। तो यहाँ आप जाट कम्युनिटी से आती हैं, तो गुजर मौसम में यहाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या क्या चीजें आपको? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और दूसरा, कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। जाट और गुजर कहने को तो अलग है, बट बिल्कुल एक जैसे हैं। बहुत कल्चर मिलता है, पहनाव मिलता है, बोलचाल मिलता है, और वैल्यूज वैल्यूज बिल्कुल सेम है दोनों के। तो अभी आप लोगों ने, आप लोगों की परफॉर्मेंस हुई थी? जी बिल्कुल हुई थी। गाने पे परफॉर्मेंस हुई आप? हमारा मैशअप था हरियाणवी गानों का, 6-7 गानों का मैशअप था हमारा। राहुल के ज्यादा थे। तो ऐसा प्रोग्राम हर साल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अभी तो 3 दिन का हुआ, फिर आगे 4 दिन 5 दिन हम बढ़ाते जाएंगे। चलिए, बहुत शानदार।